सोलन सिरमौर की सीमा पर स्थित गांव मियोग के समीप पशु चिकित्सालय फार्मासिस्ट की शिक्षा भी दी जा रही है और साथ में गौशाला भी चलाई जा रही है, जिसे दुधारू पशु सुधार सभा द्वारा चलाया जा रहा है। गौशाला का मुख्य उद्देश्य भारत मां का दर्जा हासिल करने वाली गौ को आश्रय देना है, ताकि उन पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें छुटकारा मिल सके। लेकिन यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों ने गौशाला का ऐसा चेहरा सोशल मीडिया पर जाहिर किया, जिसे देखकर पैरों तले जमीन निकल गई। जिसे देखकर बुचड़खाने में गौओं का हो रहा अत्याचार भी कम लगने लगा। सोशल मीडिया में आए इस वीडियो पर गौओं पर हो रहे अत्याचारों को कुछ इस तरह से दिखाया गया, जिसे देखकर कोई भी आसानी से विचलित हो सकता है। सोशल मीडिया में अपलोड हुई इस वीडियो की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम स्वयं गौ सदन में पहुंची, कि पाया गया कि गौ सदन में तीन ब्लॉक थे। पहले ब्लॉक में दुधारू पशुओं को रखा गया था, दूसरे ब्लॉक में उन गायों को रखा गया था जो थोड़े अस्वस्थ थे, तीसरे ब्लॉक में उनको रखा गया था जो बेहद कमजोर हो चुके थे और किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थे। दूसरे और तीसरे ब्लॉक में जो गौएं बंधी थी, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें शारीरिक यातनाएं ज्यादा और खाने के लिए कम दिया जाता होगा, जिसके कारण वो बेहद कमजोर हो चुकी हैं और उनकी हड्डियां, उनकी खाल भी देखी जा सकती थी। जब इस बारे में कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने जो खुलासे किए वह भी हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने बताया कि एक माह में करीबन 15 से 20 गायें बीमार होने की वजह से मौत का ग्रास बन रही हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें गौशाला के पास में बने गड्ढे में फेंक दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गाय यहाँ आती हैं, उनका यहाँ से जिंदा बचकर निकलना बेहद कठिन है। उन्होंने कहा कि उन्हें गायों को गड्ढे में फेंकना और उनसे ऐसा बर्ताव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें उच्च अधिकारियों के आगे नतमस्तक रहना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को गौओं को भी 4,000 रुपए लेकर वह गौशाला में शरण देती हैं और अगर वह उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो उन्हें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। अब ये मुक्त वाली बात है, ऐसा नहीं होता। एंड प्लीज पुट मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं, थोड़ी सी बात कर लेते थे कुछ नहीं, प्लीज कोई बात नहीं, अब आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहीं जब इस बारे में यहां के अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मीडिया द्वारा उठाए गए प्रश्नों से बचते नजर आए। आपको बता दें कि गौओं को खाने के लिए महज सूखी तूड़ी दी जाती है और उन्हें फीड तो क्या, आसपास प्रचुर मात्रा में लगने वाला घास तक चरने नहीं दिया जाता। आपने गरुड़ पुराण में सुना होगा कि मरने के बाद बैतरणी नदी से आत्मा को केवल गौ ही पार लगा सकती है, लेकिन कलयुग में गौ ही बैतरणी नदी में फंसी नजर आ रही है, क्योंकि मृत गौओं को जहां फेंका जा रहा है वह स्थान भी कोई वैतरणी नदी से कम नहीं है। इसीलिए जो गौओं की इस स्थिति के जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में भारतवासियों की भावनाओं को कोई आहत न कर सके। फिर जब मैं गौशाला में गया तो 5-6 पशु नीचे मरे और बाकी जीते हुए पशु के ऊपर पशु घूम रहा जी। आप 2-3 पशु तो मेरे को तड़पते हुए मिले नीचे, जो तड़प रहे थे ऊपर से पशु जा रहा जी, 60-70 पशु उसके ऊपर वो जा रहा है ऊपर, 4,000 रुपया ले रहे जी। और क्या नाम है यहाँ जी, हमें रखेंगे जी, इसकी कोई चारा चोरी करे तो होना तो चाहिए। देखो ना जी, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पशु है बेचारा जी, बेरोजगार है, बेजबान का पशु है। कल तो सर 3 फेंकी थी, तो ऐसी फेंक दी उनके ऊपर, मिट्टी मुट्टी क्यों नहीं डाली? तो सर हम तो लेबर आदमी है, तो हमने तो जैसा वो कहा कि गड्ढे में डाले, अब हमने गड्ढे में डाल दी सर। मैंने मर जाती सर 10-15 तो मरी जाती, 10-15 तो मतलब यहाँ से ऐसा सर वापिस नहीं जा सकती कहीं नहीं, जो यहाँ आ गई तो मतलब यहीं मरेगी। नहीं कल कितनी फेंकी? एक फेंकी है सर कल। और इस महीने में कितनी फेंकी है? इससे पहले तो फाड़ी थी, 2-3 दिन छुट्टी था। उससे पहले भी 1-2 बार फेंकी है। तो ऐसी ऊपर में फेंक देते सर? अब ओपन ही है जी, तो ऐसे गांव में भी आप ऐसी करते हैं? नहीं सर, वहाँ से करते हैं, दबाते हैं। तो फिर यहाँ पर आपने बोला नहीं कि दबाना चाहिए? सर हम तो लेबर आदमी, हम तो बोल नहीं सकते जी किसी।